आइए बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में स्थित कलोरो केमिकल्स फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आशीष गुप्ता, रीको विभाग के अधिकारी परेश सक्सेना, एनडीआरएफ अधिकारी समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौके पहुंच गए। मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया कि वहां तो मॉक ड्रिल अभ्यास किया जा रहा है, जो हर वर्ष की तरह जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आने से बचने और सुरक्षा संबंधी घटना उपकरण का परीक्षण अभ्यास किया जाता है। जो एमआई इंडस्ट्रियल एरिया में लॉर्ड्स फैक्ट्री है, उस स्थान को चुना गया और यहाँ पर ऐसा सीन रिक्रिएट किया गया कि क्लोरीन गैस का रिसाव है और किस प्रकार से उसको कंटेन किया जाएगा, किस प्रकार से जो विक्टिम्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और इस बहाने जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका रिस्पांस टाइम भी चेक हो गया अलग अलग विभागों का, अलग अलग जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि कौन कितनी देर में पहुँचे। अब एक बार बैठ करके उस पर हम चर्चा कर लेंगे। इस ड्रिल में एनडीआरएफ ने जो है मेन रोल प्ले किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और मैं और जो पूरी टीम है वो यहाँ पर उपस्थित रही और उनका ड्रिल भी देखा और इस पूरे आयोजन जो है उसके लिए लॉर्ड्स जो फैक्ट्री है और एनडीआरएफ है, इसको धन्यवाद और बधाई। और एनडीआरएफ के द्वारा ये मॉक ड्रिल करी है और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है बड़े स्केल के डिजास्टर्स उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई यहाँ एमआई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। और जो इशू क्रिएट किया गया मॉक ड्रिल के हिसाब से वो क्लोरीन गैस की जो रिसाव होने का एक सीन रिक्रिएट किया गया और एनडीआरएफ की पूरी टीम और प्लस प्रशासन में जो सारे ऑफिसर्स हैं सारे थाने हैं और एक इंटीग्रेटेड फैशन के अंदर अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसा इशू होता है उसको कैसे टैकल करें उसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज थी। और हमने पुलिस कंट्रोल रूम से भी सबको सूचित किया, जैसे एसपी साहब कह रहे थे और उसके जो है टाइम के लिए हमने नोट करी है और डीपीपी मीटिंग हमको उस तरह से इंस्ट्रक्शन देने।